पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी और मुरादाबाद के पूर्व सांसद ठाकुर सर्वेश सिंह बुधवार को मुरादाबाद पहुंचे और बुद्धि विहार स्थित कार्यालय में जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं पूर्व सांसद सर्वेश सिंह के सामने रखी। बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिनका मौके पर ही पूर्व सांसद के द्वारा निस्तारण किया गया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके चलते विभिन्न कार्यक्रम पूरी लोकसभा में किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के द्वारा जो कार्य उन्हें सौंपे गए हैं उसे वो पूरे तरीके से कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पूर्व सांसद सर्वेश सिंह ने बताया कि जनता से मिलने के लिए उन्होंने हर विधानसभा का अलग दिन तय किया है, जिसके आधार पर जनता से आसानी से मिलकर उनकी समस्याओं का निदान कर सके। जो संगठन ने निर्णय लिया, सभी कार्यकर्ता हमारे सभी पदाधिकारी का उसी अनुसार काम कर रहे हैं। हमारी भी जहाँ ड्यूटी लगाई गई हम भी गए। पहले दिन हम डेदारी स्वास्थ्य केंद्र पर गए, पोलियो ड्रॉप पिलाई, गीता घाट का उद्घाटन किया। सभी 2 तारीख तक मनाना है, जो जो निर्देश हैं पार्टी के वो सब निभा रहे हैं। आज मुरादाबाद भी आगमन हुआ है और कार्यकर्ताओं से और भी लोगों से बातचीत हुई है, किस तरह की समस्याएं रही, जनता से बात की है आपने? जो समस्याएं हमारे पास आती हैं जनता की, आज भी जब आए तो अमरोहा जिला लोकसभा 8 के 300-400 परिवार के व्यक्ति मौजूद थे। सबसे पहले हमने अधिकारियों को बुलाया, यहीं पे बुलाने के बाद उनकी समस्या का समाधान करा, तब उन्हें भेजा यहाँ का। उसके बाद और भी कई सौ लोग यहाँ आए, परिवार के सदस्य यहाँ पर आए और जो भी जिसकी समस्या थी जितना हमसे हुआ उतना हल करने का प्रयास किया। मुरादाबाद विधानसभा के लोग लगातार आपकी उपस्थिति चाहते हैं, पिछले इलेक्शन में भी लगातार सवाल भी हुए। ये वैसे चाहते तो सब हैं, मगर मुझे भी ये देखना है कि मेरी 5 विधानसभा है, 5ों विधानसभा को मुझे समय देना अनिवार्य है। एक नहीं, एक ही विधानसभा बैठे और मैं ना जाऊँ। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 5 विधानसभा 5 दिन तो यही निकल जाते हैं, 1-2 दिन अन्य काम भी देखने पड़ते हैं। तो यहाँ के लोगों को संतुष्ट कैसे हैं? मेरा परिवार पूरा मुझसे संतुष्ट है, क्योंकि आने से ही नहीं होता, जो परिवार सदस्य माँ बाप से घर भी जाते हैं, गांव भी पहुँचते हैं, मेरे साथ बैठ के चाय पीते हैं, पहली अपनी समस्या बताते हैं और हम उनकी समस्या वहाँ से भी समाधान करते हैं। टेलीफोन पर भी जो परिवार का सदस्य हमें समस्या बताता है, हम उसकी समस्या टेलीफोन पर भी समस्या दूर करते हैं, वो हमारी शिकायत नहीं कर सकते, सब संतुष्ट हैं। उसको लेकर क्या तैयारी का जो पार्टी का निर्देश होगा, पहले तो ये निर्णय हो कि कौन सी सीट SC BC है, आरक्षण का निर्णय हो, उसके बाद जो पार्टी जिसे प्रत्याशी घोषित करेगी उसका तन मन धन से हम चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, पार्टी को इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट उतारे जाएंगे उसमें क्या माने सुझाव लेना जरूरी होता है, लेना चाहिए या नहीं? सुझाव लेते हैं, ऐसा नहीं सुझाव ना लेते हैं। अभी तो आरक्षण में तो कुछ सुझाव ही नहीं लेना, आरक्षण तो पार्टी को जो नीतिगत निर्णय करेंगे उसके हिसाब से आरक्षण होगा, आरक्षण के बाद जो प्रत्याशी घोषित करेंगे उसमें राय मसला सबसे करा जाएगा। बात की जनता सबको बताइए कि हम 24 घंटे एक सेवक के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं और करते रहेंगे जीवन भर।